हेलो एवरीवन, माय सेल्फ ईशान एंड यू आर वाचिंग माय चैनल बीइंग डॉक्टर ऑफिशियल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आप सभी के लिए एक अपडेट है, एमसीसी काउंसलिंग की तरफ से ऑफिशियल अपडेट है। क्या अपडेट है इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि काउंसलिंग के रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूँ इस चैनल के माध्यम से। वेटनरी की भी और आयुष की भी देंगे, साथ ही एमसीसी काउंसलिंग, बीडीएस काउंसलिंग के भी हम यहाँ पर अपडेट्स आपको यहाँ पर देते रहेंगे, और स्टेट वाइज भी हम अपडेट देते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम भी सेम ही है, बिंग डॉक्टर ऑफिशियल, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। अदरवाइज मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तो चलिए क्या है अपडेट देख लेते हैं। सो गाइस, आप ये नोटिस देख सकते हैं जो कि एमसीसी ने वेबसाइट पर जारी किया है। आप इसकी डेट भी देख सकते हैं, 17 नवंबर का अभी हाल ही का ये नोटिस है। और यहाँ पर गाइज, अभी जब ये नोटिस आ गया, इसका मतलब है काउंसलिंग भी आप सभी की जल्दी स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पर इस नोटिस में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइजरी जारी किए एमसीसी ने काउंसलिंग के लिए, कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, क्या क्या कहा है इस एडवाइजरी में, क्या है मैं आपको एक एक चीज़ पढ़ के बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को इन चीज़ों को ध्यान रखना है काउंसलिंग के दौरान, एमसीसी ने कहा है। ठीक है, तो पहली पॉइंट यह है कि एमसीसी जो भी सीट आपको अलॉट करेगा काउंसलिंग में, वो सिंपली आपका होगा मेरिट के बेसिस पर और चॉइस फिलिंग के बेसिस पर। यानी कि आपने जो चॉइस फिल की होगी कॉलेजेस की, ठीक है ना, जो ऑर्डर चॉइस फिलिंग का जो सेट किया होगा एमसीसी काउंसलिंग के दौरान, लॉक की होगी चॉइसेस, उसके बेसिस पर आपको सीट अलॉट होगी। साथ ही आपकी जो मेरिट है उसके अकॉर्डिंग, है ना, मेरिट का मतलब है आपकी जो ऑल इंडिया रैंक फॉर काउंसलिंग है उसके बेसिस पे आपकी जो है ये सीट अलॉट होगी। ठीक है, सारी की सारी जितनी भी सीट्स आपको अलॉट हो रही वाली है, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर आपको उसके अकॉर्डिंग सेट है इनका। ठीक है, सेकेंड जो पॉइंट है दोस्तों, वो है कि आपको एमसीसी डज नॉट अलॉट सीट ऑन द नॉमिनेशन बेसिस। ठीक है ना, कोई भी सीट नॉमिनेशन बेसिस पर नहीं अलॉट करता है एमसीसी, और ना ही किसी कैंडिडेट को पर्सनली किसी को जो है अलॉटमेंट लेटर भेजता है एमसीसी। ठीक है ना, आपको सीट मिलती है तो आपको सिंपली डाउनलोड करना होता है अलॉटमेंट लेटर, डाउनलोड करके एडमिशन के लिए फर्दर आपको कॉलेज में जाकर के एडमिशन करा लेना होता है। ठीक है, इसने नीचे लिखा है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू बी अवेयर ऑफ एनी लेटर इशूड बाय स्क्रपलस पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ एमसीसी रिगार्डिंग अलॉटमेंट ऑफ सीट। यानी कि आप सभी को इन सभी जो फेक नोटिसेज वगैरह या फिर ये जो भी लेटर्स आपके पास आते हैं एमसीसी के नाम के द्वारा, ठीक है, उनसे बचकर रहना है। ऐसा कोई भी इशू नहीं करता है एमसीसी, ऐसा कोई भी प्रोविजनल लेटर आपको घर पर नहीं भेज रहा, या फिर कोई भी ऐसा जो फेक नोटिस है उन सबसे आपको बच के रहना है। सेकेंड जो एडवाइजरी है, थर्ड जो एडवाइजरी है, वो है आपको कोई भी फेक एजेंट से बच के रहना है। ठीक है, आपको जितने भी रजिस्ट्रेशन से लेकर फ़ी पेमेंट की जो भी एक्टिविटीज़ है आपको खुद से करनी है, रादर देन कि आप किसी फेक एजेंट को हायर करें। ठीक है, एमसीसी ने यह भी कहा है कि आपको फेक एजेंट से बचकर रहना है। कोई भी काउंसलिंग के लिए कोई भी ऑथोराइज पर्सन नहीं है, एमसीसी की वेबसाइट पर जाकर के आपको रजिस्टर करना है। खुद से रजिस्टर कीजिए, खुद ही सारी इन्फॉर्मेशन भरिए, खुद ही पेमेंट कीजिए फीस का पेमेंट। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी पासवर्ड आप शेयर मत कीजिए रजिस्ट्रेशन का। ठीक है ना, आप साइबर कैफे में जाते हैं, वहाँ पर आप अपना आपका रोल नंबर भी उसके पास होता है, साथ ही पासवर्ड भी होता है, तो आप पासवर्ड को चेंज कर दीजिए घर आकर के। ठीक है ना, वहाँ से करा करके मान लीजिए आप साइबर कैफे से भी करते हो। लेकिन मैं दूसरी चीज़ आपको कहना चाहूँगा, पेमेंट हमेशा अपने अकाउंट से कराइएगा, साइबर कैफे वाले के अकाउंट से मत कराइएगा। ठीक है, लास्ट ईयर भी काफ़ी लोग भुगत चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा आपकी यहाँ पर देखा है कि जो वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट वो यही है mcc.nic.in। इसके अलावा कोई भी दूसरी वेबसाइट नहीं है एमसीसी काउंसलिंग की, तो इन फर्जी वेबसाइट से आप बचकर रहें। और लास्ट जो वेबसाइट लास्ट जो एडवाइजरी है वो है, कोई भी फ्रॉडुलेंट वेबसाइट या फिर कोई भी एजेंट जो ऐसा आपको दिखता है, तो उसको आप रिपोर्ट करा सकते हैं एमसीसी को, या फिर आप इसके अगेंस्ट FIR भी दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एडवाइजरी है आपको ध्यान रखनी है काउंसलिंग के पूरे प्रोसेस के दौरान, जो कि मैंने आपको बता दी। तो ये अपडेट देना था गाइस, और सभी अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।